कोर्ट के आदेशों के अनुसार किया गया, जो कुछ किया गया कोर्ट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कांटेस्ट है। सर, ट्रैफिक के नए नियम जो आए हैं, नए जो रूल्स आए हैं, उनसे कुछ फर्क पड़ा है? फर्क तो बिल्कुल पड़ा है, अब लोग रुकते हैं लाइट पे, कम वायलेशन हो रहा है। दिन में कितने चालान कट जाते हैं? ये तो वायलेशन के ऊपर है, इतनी वायलेशन होगी उसके चालान होगा। नहीं कि मतलब कोई हमें फाउंडेशन तो है नहीं कि इतने करने हमें कोई, मतलब कि आपको लगता है कि 10 20 50 चालान कटते ही हैं रोज? क्योंकि बेसिकली मेरा जो पूछना है वो ये है कि क्या इतने लोग अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं कानून का? पहले से काफ़ी कम है क्योंकि लोगों को अब पता चल गया। पता चल गया है, उन्हें पता है कि मतलब 200 में 600 में बहुत अंतर है। अब आप देखिए कि मैंने जैसे टेलीविजन के ऊपर देखा था, मैंने जैसे न्यूज़ों में देखा है कि 3 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये पिछले 5 सालों में बहुत भारी अचीवमेंट है? देखो, ये तो मुझे पता नहीं कितना रुपया इकट्ठा किया गया है, लेकिन ये कि हमें जो हमारा काम लाइट पर देखना है कि यहाँ वायलेशन कम हो रहा है पहले सर। ये जो कलेक्शन की बात है, इसके ऊपर तो हमारे ऑफिसर वगैरह यही जवाब दे सकते हैं कितने चालान कितने। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि ट्रैफिक के नियम जब से लागू हुए हैं तब से बहुत सारा फर्क पड़ा है, लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं और चालान भर रहे हैं। हमने दिखाया आपको कि किस तरह से बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि ट्रैफिक के नियम क्या है, बहुत सारे लोगों का अभी तक कोई चालान नहीं कटा है, बहुत सारे लोग खुश हैं इससे, बहुत सारे लोगों में नाराजगी है कि इतना बड़ा जो अमाउंट कर दिया गया है। मैं इस समय आपको यहीं पर रोकूंगा और मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, मगर आप कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दिल्ली दिस वीक के इस एपिसोड में मैं आपको दोबारा दिखाने वाला हूं कि इस हफ्ते में कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं हमारे सिनेमाघरों में। तो तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर गौहर और लाया हूं आपके लिए एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर, आवारा पागल मस्ताना, सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हाजिर हूँ आपका दोस्त सागर गौहर दिल्ली दिस वीक के इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद मैं आज यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ PVR सिनेमा में। मैं आपको बताऊँगा कि इस हफ्ते कौन सी फिल्म रिलीज हुई, लोगों के उसके व्यूज़ क्या हैं, और मैं आपको दिखाऊँगा कि लोग क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में। मैं आपको लेकर आया हूँ PVR साकेत में। यहाँ पर 3 फिल्में लगी हुई हैं इनका, जिनका नाम है, एक का नाम है लाइफ में कभी कभी, दूसरी है भेजा फ्राई और तीसरी है नमस्ते लंदन। मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग किस फिल्म को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किस फिल्म की बुकिंग्स को लोग ज़्यादा ले रहे हैं इस हफ्ते। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे व्यूअर से, कुछ ऐसे लोगों से जो यहाँ पर फिल्म देखने आए हैं। आइए मेरे साथ। आपका नाम? कौन सी फिल्म देखना है? वही डिसाइड कर रहे थे, आजकल चॉइसेस इतनी ज्यादा हो गई हैं कि पता नहीं चलता कौन सी मूवी देखें कौन सी नहीं देखें, वही बैठ के डिसाइड कर रहे थे। क्या आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म देखेंगे? मे बी परफेक्ट स्ट्रैंजर और भेजा फ्राई। व्हाई भेजा फ्राई? भेजा फ्राई, यू नो, थ्रू आउट द वीक वी जस्ट गॉट आवर भेजा फ्राइड, सो लेट इट जस्ट चेक इट आउट कि भेजा कैसे फ्राई हो रहा है। सही बात है। मगर अगर आप देखोगे कि इस फिल्म के अंदर कोई बहुत भारी स्टार कास्ट नहीं है, बहुत हल्की फुल्की स्टार कास्ट है, मगर फिर भी लोग, आपको क्या लगता है कि इस इतनी बड़ी भीड़ में से क्या लोग सबसे ज़्यादा भेजा फ्राई को ही देखेंगे? Exactly, that's what I think, because इतनी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्में बहुत बुरी तरह पेट रही है, एंड वॉट वी वॉन्ट वीकेंड पे हमें थोड़ा मस्ती चाहिए, थोड़ा यू नो लाइट म्यूजिक एंड लाइट दैट कॉमेडी एंड
फ्री काइंड ऑफ लाइफ। सो व्हाट डू यू, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से अब वो ऐसा ऐसा नहीं है कि पहले बड़ी बजट की फिल्म आया करती थी और सालों लग जाते थे बनाने में, लेकिन अब छोटे बजट की फिल्म आती हैं जो जल्दी तैयार होती हैं, पैसा ज़्यादा नहीं लगता, पब्लिक देखती भी, अच्छी कॉमेडी होती है, तो मेरे ख्याल से सामने वालों का पैसा भी रिकवर हो जाता है, हम भी एंजॉय कर लेते हैं। तारा रामपम पम आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तारा रामपम पम के बारे में सिर्फ प्रोमोज ही अभी तक देखे हैं या सुना है, जो भी कुछ है इट्स वर्ड ऑफ माउथ, ऐसा नहीं है कि अभी तक कॉन्शियसली जाके म्यूजिक सुना है या इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, बट उम्मीदें हैं कि अच्छी होगी। ओके, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं कि अकेले हैं? मेरे दोस्त भाई के साथ हैं, इज मच मोर देन गर्लफ्रेंड। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। कौन सी फिल्म देखने के लिए आए? I'm just waiting for my brother. I'm not a boy. Ah, you're waiting for your brother? Yeah. No, not for a film? No. Yeah, I am also. You're waiting for your brother? My friend. Girlfriend, yeah. Boyfriend? Girlfriend or boyfriend? Boyfriend. Or up? Nothing. Nothing? Why? Then why are you wasting your time here? I'm just enjoying. enjoying it. Okay, you guys enjoy. Hey, आपका नाम बताइए? मेरा नाम भाई संजय जॉर्ज है और मैं ऑफिस से भाग के आया हूँ, भाई पिक्चर देखने के लिए। मैंने सुना था बहुत अच्छी पिक्चर है नमस्ते लंदन, भाई इसमें जो काम कर रही है ना वो हीरोइन बहुत बढ़िया है, उसका नाम भाई कतरीना कैफ, वो मेरे को सबसे बढ़िया लगा भाई रहा। उसके आगे तो सबरी हीरोइन फील है भाई रे। मैं कभी कभी और भेजा फ्राई क्यों नहीं देखना चाहते? भाई भेजा फ्राई का तो भाई चक्कर ये है ना, मैं ठहरा जाट आदमी और ये भाई भेजा की बात तो मेरी समझ में वैसे ही नहीं आती, मेरे हाथ पैर वैसे ही टाइट है भाई भेजा के मामले में। पर हाँ, दूसरी बात जो तुमने बोली है भाई उसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचने का टाइम मेरे पास नहीं है, पर फिर भी देखने में तो बड़ी तो लाइफ में कभी कभी है भाई। देखो हर बार हर चीज का लिए हार हो गया भाई, लेकिन मेरे को बढ़िया लग रही है, उसका नाम बहुत बढ़िया सा लग रहा है कि लाइफ में कभी कभी, बस इतना ही कहना था। नमस्ते। लाइफ में कभी कभी ये जो फिल्में लगी हैं इनके बारे में क्या कहना है आपका? अच्छी है, लेकिन भेजा फ्राई तो वैसे भी इंसान का हो ही जाता है, तो फिर टीवी में देख सो, फिल्म में पर्दे पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी का क्या है, आजकल तो हर पल कुछ ना कुछ घटता ही रहता है, तो कभी कभी वाली बात आती नहीं है, तो हम सोचते हैं नमस्ते लंदन देखें, कुछ थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं? अच्छी मूवी है, कॉमेडी है, देखेंगे उसके बाद डिसाइड करते हैं कोई और देखनी है नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, देखा आपने दिल्ली दिस वीक के इस एपिसोड में मैंने आपको दिखाया किस तरह से लोग बीजेपी की जीत के बाद भी हौस खास की मार्केट में लोग परेशान हैं अपनी पार्किंग को लेकर। दोस्तों, दूसरा बात मैंने दिखाया आपको कि किस तरह से आज भी इतना, जब ट्रैफिक के नए रूल आ गए हैं, नए कानून बन गए हैं, बहुत सारा जुर्माना भी रख दिया है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग उल्लंघन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रैफिक के रेड लाइट को तोड़ के भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वर्दी में नहीं हैं, जिनके पास वर्दी होनी चाहिए, बैच होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास वो भी नहीं है। बहुत सारे हमने पुलिस वालों से भी बात की, उनको भी नहीं पता, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से रूल है कौन से नहीं है। 3 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिट्रीव किया है सिर्फ जनता से। फिर मैंने दिखाया इस PVR जो मेरे पीछे है, यहाँ पर कौन कितने सारे लोग हैं जो फिल्म देखने के लिए आए। देखा जाए तो जो टिकट खिड़की है उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई भी लोग नहीं है, कोई खास भीड़ नहीं है। यहाँ पर 3-4 फिल्में कल ही रिलीज़ हुई हैं, भेजा फ्राई और लाइफ में कभी कभी, मगर फिर भी लोगों की राय इन फिल्मों के बारे में कोई खास नहीं है, लोग वो फिल्में नहीं देखना चाहते। इवन जो पिछले हफ्ते से भी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले जो फिल्म रिलीज़ हुई नमस्ते लंदन, उसको लोग आज भी पसंद कर रहे हैं देखना बजाय भेजा फ्राई और लाइफ में कभी कभी। तो दोस्तों, मैं आज यहीं पे आपसे विदा लेता हूँ, अगले हफ्ते मैं फिर आपसे मिलूँगा, आपका होस्ट सागर गौर, आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल्ली दिस वीक। तो देखते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस।